Once again, hello and welcome back to my channel, my friends and family. तो आज मैं जा रहा हूँ मेरे मॉम की ऑफिस with my dad. तो मेरे मॉम की ऑफिस है टिपी पे और उसके ऑफिस का नाम है टिपी ऑर्किड सेंटर. ये जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्किड सेंटर है. तो फॉलो मी. और जैसे ही हम ऑर्किड पे पहुंच जाते हैं, मैं देखता हूँ मेरे मम्मी ऑफिस के अंदर नहीं पर ऑफिस के बाहर पे धूप का आनंद ले रहा था. और ये रहा ऑर्किड रिसर्च सेंटर ऑफ टीपी का बोर्ड. आप इसे नेट पे सर्च कीजिए तो आप इसके बारे में काफ़ी ज्ञान मिल जाएगा. और ये रहा इस ऑर्किड का मैप, जिसे आप आने के साथ ही देख के आप इस ऑर्किड का आनंद ले सकते हैं. So as soon as I reached my mom's working place, I started to tease her by asking her some questions. ऑफिस कहाँ है? ऑफिस में क्यों नहीं बैठे? ठंडा है ना इसलिए. ठंडा. So after asking some questions to my mom, I started exploring the orchid. तो आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी सुंदर सा ऑर्किड है. ये सारे फूल और ऑर्किड हमारे अरुणाचल के जंगलों पे पाए जाते हैं. और यहाँ पे ऐसा काफ़ी सारे ऑर्किड भी है जिन्हें यहाँ के साइंटिस्ट ने खुद डेवलप किया है. पर ज़्यादातर यहाँ के ऑर्किड हमारे अरुणाचल के पहाड़ों पे ही पाया जाता है. और एज पर माई नॉलेज लाइक इन एवरी ईयर हमें नया नया स्पीसीज हमारे अरुणाचल के पहाड़ों से हमें मिलता है. नॉट ओनली ऑर्किड बट ऑल्सो एनिमल्स एंड सम इंसेक्ट ऑल्सो सम बर्ड्स. ये फूल देखने में प्लास्टिक की तरह लग रहा है पर प्लास्टिक नहीं, ये ओरिजिनल है. मैंने सोचा था आप लोगों को एक एक करके नाम बताऊं, पर वहाँ पे नेम बोर्ड ना होने के कारण ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ. और हमारा टाइमिंग भी इतना गलत था कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे काम करने वाले लोग सारे लंच पे चले गए थे. तो सिर्फ मेरे मॉम ही थे, और एक्चुअली मेरे मॉम भी घर जाने वाले ही थे पर हम पहुँच गए इसलिए वो रुक गए और हमें थोड़ा कुछ और के दिखाने लगे. यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एशियन लेडी स्लीपर ऑर्किड. यहाँ पे ये रखा हुआ है बट आई थिंक इट्स क्लोज. ये लोग अभी बंद करके रखे हैं तो हम अंदर नहीं जा सकते. कोई बात नहीं, पर वो चीज़ है यहाँ. तो ये क्या था? दिस प्लांट इज नेम फॉर आर फेरी हु इज फर्स्ट एग्जिबिटेड द प्लांट बिफोर द हॉर्टिकल्चर सोसाइटी. इट इज कॉमनली नोन एज एशियन लेडी स्लीपर ऑर्किड. अच्छा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का दिखता है मेरा मॉम का ऑफिस एरिया. एक्चुअली ये तो एक सेंचुरी है, ऑर्किड सेंचुरी. यहाँ पे पूरा वेराइटीज ऑफ ऑर्किड रखता है जो अरुणाचल पे मिलता है. हाँ, मेरा मॉम यहीं पे काम करता है. तो आप लोगों को थोड़ा फूल दिखाया था और कुछ आगे अंदर में था वो दिखाना था पर दिखा नहीं पाया क्योंकि क्लोज है. अभी टाइम ऐसा हो गया कि सब बाहर चला गया, मतलब लंच टाइम हो गया इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे. इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड है ऑर्किड जंगल, उस साइड है लेबोरेटरी, इस साइड गेस्ट हाउस और इस साइड है वॉशरूम. तो हम जाते हैं ऑर्किड जंगल. स्लिपरी अप्रोच रोड प्लीज. थोड़ा यहाँ ध्यान से जाना होता है क्योंकि यहाँ साफ होने का भी बहुत चांसेस रहता है.
यहाँ भी वेनिला ऑर्किड। इस प्रकार से जाता है आई गेस, यहाँ से जाना। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, यहाँ था शायद वेनिला ऑर्किड। ये सब है पूरा प्लांटेशन। अभी खिलने का समय नहीं हुआ इसलिए पता नहीं चल रहा, पर जब खिलता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है। और इन लोगों को पानी आने का ये ऑटोमेटिक इसी से हो जाता है। यहाँ पे है ब्लू वेंडा ऑर्किड। एक्चुअली हमारे यहाँ फेमस है ऑर्किड के लिए ही फेमस है, वगैरह बहुत वैरायटीज ऑफ ऑर्किड यू विल फाइंड हियर। ये सब ऑर्किड है, आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकता है, ऑर्किड भी देख सकता है। देखिए एवरीवेयर इट्स ऑर्किड ऑर्किड। छोटा सा वाटर डिपोजिशन, यहीं से पानी जमा होता है स्टोर, उसके बाद यहाँ से फिर ऑर्किड में पानी देता है। छोटा छोटा टेट पोल। स्टैग्नेंट वाटर है ना, इसलिए टेट पोल भी है। तो कुछ एरिया ऑर्किड के घूमने के बाद मैं अपने मॉम और डैड के पास पहुंच जाता हूं कुछ सवाल लेके। तो ऑर्किड में आके कैसा लगा? हमको अच्छा लगा, ऑर्किड का इंचार्ज मिसेस केटी कुंजीजू। एक भी फ्लावर का नाम आप बता दो ना, एक भी फ्लावर का वर्ड। ऑर्किड का इंचार्ज टीपी ऑर्किड। हम लोग को चाय साय भी नहीं पिला रहा है, ऐसे ही आके हम लोग भी पीता है। ये लोग चला गया ना, उन लोग 11 बजे चला जाता है ना। हम लोग तो टूरिस्ट है, हम लोग को चाय साय पिलाना चाहिए था। करेगा उन लोग सुबह से, उन लोग 7 बजे से करते हैं, उसके बाद 11 बजे उन लोग चला जाता है ना, माली लोग लेबर लोग। तो अभी हम अकेले तो दुकान से भी किन के, होटल से भी किन के पिला सकता है। पीने से ठीक है। तो मम्मी एंड डैड के साथ थोड़े से बात करने के बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ कैक्टस को देखने के लिए। हियर यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस। मैं सोचा था आप लोगों को नाम बताऊंगा, पर इवन मी आई डोंट नो देयर नेम्स एंड देयर वाज नो नेम प्लेट, सो इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू नो एवरी एंड ईच name of those cactus. And that building is the main office of this orchid. Well, that building was also constructed by my dad. And then you can see here my mom's colleague there wearing uniform, but I hardly see my mom wear uniform. And these are some design benches जहाँ पे tourists लोग जब आते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। And this is the main gate from where I came. Here we have a Indian pitcher plant. It's a carnivorous plant. उसके बाद हम आ जाते हैं इस ग्रीन हाउस रूम पे, जहाँ पे बहुत सारे फूल लगाए गए हैं और ये फूल भी जब सीज़न आता है तो बहुत अच्छी तरीक़े से खिल जाता है। पर अब सीज़न नहीं है इसलिए आपको ये खिला हुआ इतना नहीं देखेगा, बट जब सीज़न आता है तब आपको इस ऑर्किड पे आना है, आप इसकी सुंदरता से आप मेसमराइज हो जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप कुछ बड़े बड़े फैन, दिस फैंस आर फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्रीन हाउस।
So this is the back side of orchid. And then I'll show you something. And this is the mighty coming river. ये पानी जो चाइना से आता है. And then once we cross this one, you can see there is a house. But वो घर जो है forest look का है. And then if you cross from here, then the forest department has full authority to shoot you. उधर public को allowed नहीं है. उधर जाएंगे तो only वहाँ पे क्या है animal मिलता है. जैसे कि black panther. Black panther is very famous here. उसके बाद elephant, deer, वो सब तो normal है. Tiger, और ये यहाँ पे tiger भी बहुत मिलता है. तो publics are not allowed to go that side. उस side जाते ही अगर forest वाला ने आपको देख लिया तो उनके पास ऑर्डर है कि आपको शूट कर दे. और दे आर नॉट एंसरेबल टू एनीवन. सी रिवर फ्रॉम चाइना. तो जैसे ही हम अपने मॉम के ऑफिस से वापस आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर पे कुछ लोग आकर बीटल नट तोड़ रहे हैं. तो मैंने पूछताछ जब किया तो उन्होंने बताया कि मेरे मॉम ने उन्हें बीटल नट सेल किया है. वेल, तो बीटल नट हमारे घर पे भी काफ़ी लगाया हुआ है. तो ये है, साल में दो बार उगता है. आई मीन माय मॉम यूज़ टू सेल बीटल नट टू टाइम्स इन ए ईयर एंड देन शी गेट्स ए गुड अमाउंट. तो बीटल नट टोटल अराउंड 15 बैग्स निकला था. और तोड़ने के बाद ये लोग अपने अपने बाइक पे ले लिए और सारे चल दिए. यहीं तक ही था आज का चैनल, आज का वीडियो. तो मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड या कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय.